गया में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। नगर निगम के द्वारा शहीदों की श्रद्धांजलि सभा और संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों के लिए एक मिनट का मौन भी रखा गया। गया शहर स्थित गया क्लब में नगर निगम के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने निर्वहन की शपथ ली। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने इन सभी लोगों को शपथ दिलाई। यहाँ पर देश के जाने माने कवि अशोक चरण, डॉक्टर अनाबिका अंबार, सुनील पाल, जितेंद्र पाल, कविता तिवारी, भुवन ज्योति आदि लोग शामिल हुए। आज देश गुस्से में है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे रहा है। हमें अपने आंसुओं को अंगारों में तब्दील करना होगा। दुश्मन जो भाषा जानता है हमें वही भाषा बोलनी पड़ेगी। हमारा एक वीर सैनिक, उन्होंने भले उनके पास में है लेकिन आपने उसकी भाषा और उसकी शैली दोनों ही देखे हैं, उन्होंने वीडियो भेजा है। हम उनको सैल्यूट करते हैं, ऐसे जाबाज सिपाहियों को बहुत सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। जिस तरह से नगर निगम के चौमुखी विकास कर रहे हैं, तो निगम में जब हम लोग आए थे तो काफ़ी जीर्ण अवस्था में यहाँ पर स्थितियाँ, हम लोग नगर निगम को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, सभी जनता के प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो दी गई जवाबदेही, जल से लेकर प्रकाश से लेकर रोड नाली गली से लेकर सारे जनहित के कृत्यों को पूर्ण रूप से मूर्त रूप देने के लिए और इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान के निगमों में बेहतर होने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए बिहार गया से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट।